देखिए फ्रेंड्स, आज हमने बनाया है स्टार्टर शिमला मिर्च से। कितना बढ़िया बनाया है, तो चलिए देखते हैं हमने इसको किस किस चीज़ों से और कैसे बनाया। बनाना शुरू करते हैं स्टार्टर शिमला मिर्च से। शिमला मिर्च देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम शिमला मिर्च से कुछ बना रहे हैं। जी हाँ, बरसात के मौसम में शिमला मिर्च बहुत अच्छी आती है और पूरी फसल आती है इस समय शिमला मिर्च की, तो हमें ज़रूर खानी चाहिए हर मौसम की हर सब्जी को। और इससे हम सब्जी भरवा शिमला मिर्च, आलू शिमला मिर्च और भी कई तरह से सब्जी हम इसकी बना लेते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ इसका स्टार्टर बना के दिखाऊंगी आपको, जो आप पार्टी में स्नैक्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता, मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे शिमला मिर्च से स्टार्टर, जो आप तैयार करके बड़े आराम से रख सकते हैं और जब भी आपके गेस्ट आएँ उन्हें सर्व कर सकते हैं। बर्थडे पार्टी है, किट्टी पार्टी है, कोई भी छोटी मोटी पार्टी जो हम घर में अपने आप से हैंडल कर सकते हैं, उस पार्टी के लिए बहुत अच्छा स्नैक जो हम खुद भी बना सकते हैं, हम बाज़ार से ना लाएं। तो ये मैंने लिए शिमला मिर्च और इनको हम इस तरह से काटेंगे। और जैसे कि हम सब को पता ही है, हम जब भरवा शिमला मिर्च बनाते हैं तो हम इसको इस तरह से होलो कर लेते हैं, जिससे कि हम इसके अंदर स्टफिंग अच्छे से भर सकें। इसमें भरने के लिए आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके घर में बची हुई कोई सब्जी हो, कोई आपने स्नैक बनाया हो उस बचे हुए हो, पास्ता बनाया, नूडल बनाए, चावल बनाए, कुछ भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी पे है कि आप इसको कैसे और किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। मैं जो जो चीज़ें मेरे पास इस समय बची हुई थी उसी से बना के दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, मैंने सारी शिमला मिर्च को फॉलो कर लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं इनमें क्या क्या भरने वाली हूँ। ये मेरे पास चाउमीन थे, मैंने चाउमीन बनाए थे, थोड़े से बचे हैं ये भरूंगी। ये मेरे लेमन राइस हैं, थोड़े से बचे हुए ये भरूंगी। ये मेरे पास थोड़ा सा पनीर था जिसको मैंने अभी कुछ नहीं करा। ये मेरे दोनों चाउमीन और लेमन राइस मेरे तैयार थे। आप इसमें फ्राइड राइस भर सकते हैं, सादे चावल भर सकते हैं नमक मिला के, जैसा भी आपको पसंद हो आप किसी तरह से भी भर सकते हैं। ये मेरे पास थोड़ा सा पनीर था, इस पनीर को मैं भूनूंगी नहीं, कुछ नहीं करूंगी, मैरिनेट भी नहीं करूंगी, बस सिंपल सी इसकी स्टफिंग बनाऊंगी। ये मैं इसमें डाल रही हूँ पिज़्ज़ा सीजनिंग और ये डाल रही हूँ पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। मेरे पास इस समय ग्रीन चटनी नहीं है, नहीं तो मैं खाली ग्रीन चटनी डाल के भी बहुत टेस्टी बनते हैं। और ना मैं इसको भूनूंगी, ना मैंने इसको मैरिनेट किया, सिर्फ हम अपनी शिमला मिर्च में इसको सीधे से ऐसे भरेंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा पास्ता सॉस नहीं है कोई बात नहीं, आप सिंपल मसाले मिला लीजिए या टोमेटो केचप मिला लीजिए, कोई और किसी तरह की सॉस हो वो मिला लीजिए, और ग्रीन चटनी तो सबसे बेस्ट है वो मिला लीजिए, अलग ही टेस्ट आता है। देखिए, मैंने इसमें कोई मसाला कुछ नहीं मिलाया। देखिए, मेरी तीनों स्टफिंग तैयार हैं। आप चाहें, आपके पास सब्जी बची है, मिक्स वेजिटेबल हैं, आलू की सब्जी बची है, उसमें कच्चा टमाटर प्याज काटिए और हल्का सा उसे मैश कीजिए और मसाले मिला के वो भी भर सकते हैं। आप किसी भी तरह से भर सकते हैं जैसा आपका टेस्ट हो। और बची हुई चीज़ों का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल है और हमारा स्टार्टर भी तैयार हो जाता है। शिमला मिर्च में अंदर मैं पहले थोड़ा सा बटर लगाऊंगी, बटर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप बटर नहीं लगाना चाहते तो आप घी भी लगा सकते हैं, या ऑयल यूज़ करते हैं ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन बटर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप कहेंगे सब्जियों में तो हमारी तेल है फिर क्यों लगाना, लेकिन हम कुछ चीज़ को बेक करते हैं तो उसमें थोड़ा सा तो हमें चिकनाई चाहिए ना, अंदर भी और थोड़ी बाहर भी। बेशक हम बिना घी तेल के बेक कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट भी तो बनाना ज़रूरी होता है ना, इसलिए मैं ये सब में थोड़ा थोड़ा बटर रख दूंगी। ये मैंने सब में बटर रख दिया और मैं आपको स्टफ़ करके दिखाती हूँ। सबसे पहले ये जो हमने पनीर की स्टफिंग बनाई इसको रखेंगे, थोड़ा सा हाथों से दबाना पड़ेगा या स्पैचुला से दबाइए, जिससे कि अंदर तक फिल हो जाए और हमारी मिर्ची फटे भी नहीं। दूसरी मैं भरती हूँ नूडल से। आपके पास पास्ता बने हुए हैं, बचे हुए हैं, कई बार हो जाता है ना बच, मेरे पास देखिए कितने थोड़े से बचे हैं बाय चांस, तो इनको भर दूंगी। बहुत ही टेस्टी लगती है मिर्ची खाने में, स्टार्टर के तौर पे हेल्दी भी और टेस्टी भी
दोनों ही काम हो जाते हैं। इस तरह से दबा दबा के भर देती हूँ और एक में भरूंगी मैं ये। ये देखिए लेमन राइस बनाए हैं मैंने, कितने बढ़िया बने हुए हैं। इसकी रेसिपी भी मैंने आपसे शेयर की हुई है पहले, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। और चाउमीन कैसे बनाते हैं घर में, कितने अच्छे से बने हैं, वो भी मैंने शेयर किया आपके साथ, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से मैं अपनी सारी मिर्ची को भर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने तीनों जो मेरे पास स्टफिंग्स थी मैंने उनसे स्टफ कर लिया। अब मैं इसमें थोड़ी थोड़ी पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल दूंगी। ये पूरी तरह ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें पिज़्ज़ा सीजनिंग डालें। और साथ में ये चीज़ लगा दूंगी सब पे। ये रखा मैंने पैन, इसमें मैं डालूंगी बटर। अगर आप माइक्रोवेव में बेक कर रहे हैं तो 170 डिग्री सेल्सियस पे माइक्रोवेव को गर्म कीजिए और इन्हें बेक कर सकते हैं। और मेरी तरह अगर आप पैन में बेक कर रहे हैं तो थोड़ा बटर तो डालना पड़ेगा आपको पैन में, जिससे कि हमारे मिर्ची के एजेस भी सिक जाएं। मैं ये इस पे शिमला मिर्च को पहले इस तरह से रखूंगी, जिससे कि हमारी मिर्च के किनारे जो हैं अच्छे से सिक जाएं, इस तरह से। और इसे ढक के 5 मिनट तक पकाऊंगी, जिससे हमारी शिमला मिर्च भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसको पकाती हूँ मैं, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारी शिमला मिर्च हल्की हल्की सिक गई हैं नीचे की तरफ से। अब हम इसको पलट देंगे, सिर्फ एजिस गल थोड़े से भुन जाएं, इसलिए इनको इस तरह से रखा था। और इनको अब हम पलट लेंगे। देखिए नीचे से कितने अच्छे से सिकी हैं, एजिस भी आपको दिख रहा होगा ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इस पर डाल दूंगी थोड़ा थोड़ा चीज़। चीज़ आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा जितना डालना चाहें उतना डाल सकते हैं। देखिए चावल वाले भी कितने अच्छे से रोस्ट हुए हैं। इस समय मैंने फ्लेम बंद कर रखी है, आप चाहें तो इसे एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो आप उस तरह से बना सकते हैं। और थोड़ा सा बटर डालूंगी, ढक के अच्छे से पकाएंगे जब तक ये इनमें बेकिंग करते हैं भूनने का फ्लेवर ना आए। इसे मैं हल्की आंच पे तब तक रोस्ट करूंगी। देखिए हमारी मिर्ची चीज़ भी कितने अच्छे से मेल्ट हुआ, और मैं आपको मिर्ची दिखाऊँ, बहुत अच्छे से बेक हुई हैं। और बटर देखिए, नॉनस्टिक में बनाया तो पूरा का पूरा बटर ऐसे के ऐसे है। और ये देखिए कितनी अच्छे से रोस्ट हुई है हमारी मिर्ची, ये देखिए सारी दिखाती हूँ आपको। इतने मैं आपको मिर्च दिखा रही हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। और कमेंट्स में मुझे बताएं कि क्या आप बनाते हैं इस तरह से शिमला मिर्च से स्टार्टर। देखिए कितना टेस्टी, कितनी बिल्कुल भुना हुआ टेस्ट से हम बेक करते हैं, बस बेक करने से चीज़ थोड़ा सा ब्राउनिश पे आ जाता, जो कि हम इस तरह से पकाते हैं तब नहीं आता, बाकी कोई फर्क नहीं है। और बहुत ही भुनी हुई खुशबू, बहुत ही अच्छी से हमारी शिमला मिर्च रोस्ट हुई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप बनाते हैं ऐसे। चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी अब इनको। देखिए हमारी शिमला मिर्च कितनी बढ़िया से तैयार हुई है। ये आप किसी भी पार्टी में, पार्टी छोड़िए घर में गेस्ट आते हैं उनको हम बाज़ार से समोसे टिक्की मंगा मंगा के खिलाते हैं, तो ये स्टार्टर हम बहुत हेल्दी और टेस्टी घर पे बना सकते हैं। और इसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी स्टफिंग भर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। मेरे पास तो इस समय ये सब चीज़ें आपके सामने मैंने दिखाया, बची हुई थी थोड़ी थोड़ी, मैंने वही इस्तेमाल करी। इस तरह से आप कोई भी बची हुई सब्जी, कोई भी आपके पास बचा हुआ चीज़ हो उससे आप अपने स्टार्टर बना सकते हैं। बस थोड़ा सा ये है इनको बेक करना है। बेक करने के लिए अगर ओवन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और जिस तरह से मैंने पैन में किया आप इस तरह से भी बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चीज़ भी बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें ना डालें। इस स्टार्टर के साथ आपको कोई चटनी, कोई सॉस, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। चलिए अब आप इसको बनाइए और मुझे फीडबैक दीजिए। थैंक यू।